खबरों के साथ दुखद खबर से शुरुआत करते हैं, जहां लंबी बीमारी के बाद केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की मां राजमाता माधवी राजे सिंधिया का निधन हो गया है। पिछले 3 महीने से दिल्ली एम्स में उनका इलाज चल रहा था, जहां उन्होंने अंतिम सांस ली। माधवी राजे के पार्थिव शरीर को अंतिम संस्कार के लिए कल ग्वालियर लाया जाएगा। माधवी राजे नेपाल राजघराने से संबंध रखती थी। उनके दादा जुदू शमशेर बहादुर नेपाल के प्रधानमंत्री थे। 1966 में माधवलाल सिंधिया के साथ उनका विवाह हुआ था। वह चैरिटी के काम में भी काफी सक्रिय रहती थी। माधवी राजे चिकित्सा और शिक्षा के क्षेत्र में सहायता देने वाले 24 ट्रस्टों के अध्यक्ष रही हैं। आपको बता दें कि राजमाता के निधन पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव के साथ ही बीजेपी नेताओं ने ट्वीट कर शोक व्यक्त किया है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने भी दुख जताया। तो आपको बता दें, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भी ट्वीट कर शोक व्यक्त किया। सिंधिया परिवार और केंद्रीय मंत्री माधवराव सिंधिया से लेकर ज्योतिराय सिंधिया तक अगर कोई शख्स ग्वालियर में जुड़ा हुआ है, तो उसमें डॉक्टर केशव पांडे जी हैं, जो कि 45 साल से जयबिलास पैलेस और महल से जुड़े हुए हैं और लगातार एक एक चीज के पारिवारिक जो कार्यक्रम होते हैं उनसे वो लगातार जुड़े रहते हैं। राजमाता माधवी राजे सिंधिया का निधन हो गया है। मेरे साथ डॉक्टर केशव पांडे जी, जो वरिष्ठ पत्रकार भी हैं, मौजूद हैं। सर, जानना चाहते हैं, आपने एक बड़ी यात्रा देखी है, अब माधवी राजे जी का निधन हो गया है, जो वर्तमान में राजमाता हैं, किस दृष्टि से देखते हैं? आपने बड़े उतार चढ़ाव देखे। ये बहुत दुखद खबर है जावेद जी। महारानी से लेके राजमाता तक का उनका जो सफर रहा वो बहुत बेहतरीन सफर रहा, और उन्होंने अपने बच्चों को पालना पोसना, बड़ा करना, उनको ग्रूमिंग करना, उनको संस्कार देना ज्यादा महत्वपूर्ण समझा। वो राजनीति से एकदम अलग रही, उनकी रुचि शिक्षा के क्षेत्र में थी और उस क्षेत्र में उन्होंने राजमाता की परंपरा को निभाते हुए सिंधिया कन्या विद्यालय की चेयरमैनशिप और एएमआई जो स्कूल है यहां का, ग्वालियर का बहुत प्रसिद्ध, उसको अब बहुत आगे बढ़ाया और आज भारत का नंबर वन सिंधिया कन्या विद्यालय है। महिला सशक्तिकरण का ये सबसे बड़ा उदाहरण है कि उन्होंने ये स्कूल खड़े किए और उन्हीं स्कूलों के जो काम होते थे उनमें वो रुचि लेती थी बढ़ चढ़कर, और वहां देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और बड़े बड़े सेलिब्रिटी वहां हमेशा आते रहे और आज इस स्कूल का जो नंबर है ग्रेडिंग में वो नंबर वन माना जाता है पूरे देश में। ये हम सबके लिए बहुत गौरव की बात है और उनका जाना निश्चित रूप से सिंधिया परिवार के लोगों के लिए तो बहुत बड़ी क्षति है, लेकिन ग्वालियर चंबल संभाग के लोग जो राजघराने से जुड़े हुए हैं, जिनके भावनात्मक संबंध हैं और जो सिंधिया घराने का बहुत सम्मान करते हैं, ऐसे सभी लोग उनके जाने से दुखी हैं। हम ईश्वर से ये प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर उनको अपने चरणों में जगह दे और आने वाले दिनों में उनकी याद और स्मरण बनाए रखने के लिए हम लोग कुछ न कुछ जरूर करेंगे और एक ऐसा एजेंडा बनाएंगे जिससे उनकी यादों को हम लोग अक्षुण रख सकें। ये सब पूरा परिवार इस वक्त दिल्ली में है और 3 बजे से 7 बजे तक दोपहर में दर्शन के लिए उनका जो रखा हुआ है बंगले पर, जहां लोग जाएंगे, और ग्वालियर की संभावना है कि वो कल ग्वालियर में आने की उनकी संभावना है, तभी उनके आगे के जो राइट्स जो होने हैं, जो रिचुअल्स होने हैं, वो किए जाएंगे। तो ये था राजमाता के बारे में संस्मरण, और जो बता रहे थे केशव पांडे जी कि उनका जो सफर है कि जो राजमाता से लोकमाता तक का उन्होंने पूरा किया है और समाज सेवा में भी सक्रिय रही हैं। कैमरामैन अजय उपाध्याय के साथ जावेद खान, INH न्यूज ग्वालियर। तो आपको बता दें कि माधवी राजे सिंधिया का आज निधन हो गया है। दिल्ली के एम्स में उन्होंने अंतिम सांस ली और लगभग 3 महीने से उनका इलाज चल रहा था। एम्स में वो भर्ती थी और दुखद खबर आज आई है। आपको बता दें, ग्वालियर चंबल में शोक का माहौल है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की मां राजमाता माधवी राजे सिंधिया का निधन हो गया है। वे 75 साल की थी। पिछले 2 महीने से वो बीमार चल रही थी। 9 बजकर
28 मिनट पर अंतिम सांस ली। तो ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी ज्योतिरादित्य सिंधिया से मिलने पहुंचे हैं, पार्थिव शरीर के दर्शन करने पहुंचे हैं। आपको बता दें कि आज सरकारी आवास निवास जो दिया गया है ज्योतिरादित्य सिंधिया का दिल्ली में है, वहां पर पार्थिव शरीर को रखा गया है। लगातार कई दिग्गज नेता आज सुबह से ही मिलने पहुंच रहे हैं और शाम तक का वो समय रखा गया है जहां पर दिल्ली में सभी लोग पार्थिव शरीर के दर्शन करने पहुंच सकते हैं। आपको बता दें कल यहां ग्वालियर लाया जाएगा और पार्थिव शरीर कल ग्वालियर लाया जाएगा जहां कल पार्थिव शरीर के दर्शन ग्वालियर में कर सकते हैं। तो अब पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी पहुंचे, तस्वीरों में आप देख सकते हैं, और ज्योतिरादित्य सिंधिया से मिलने उनका हौसला बढ़ाने के लिए वो पहुंचे हैं। और आपको ये भी बता दें कि कल पार्थिव शरीर को ग्वालियर लाया जाएगा जहां उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। तो आज अंतिम विदाई की जा रही है और सभी लोग आपको बता दें कि यहां पर नमन करने, प्रणाम करने, पार्थिव शरीर के दर्शन करने पहुंच रहे हैं। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी पहुंचे। तो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए प्रदीप तलरेजा हमारे साथ जुड़ गए। प्रदीप, जिस तरीके से आज दुखद खबर सामने आई, राजमाता का निधन हो गया, ग्वालियर चंबल में उनका विशेष वर्चस्व देखने को मिला, कैसे देखते हैं इसे और किस तरीके की स्थिति आप बनेंगी, कब उनके शरीर को, पार्थिव शरीर को लाया जाएगा ग्वालियर? लेकिन यह बिल्कुल आज जिस प्रकार की जो समाचार निकल कर आया था, देखिए तकरीबन सवेरे 9:28 पर जब यह समाचार आया कि राजमाता माधवी राजे सिंधिया का दुखद निधन हो गया है दिल्ली में, लेकिन 2 महीने से लगातार वो बीमार चल रही थी, दिल्ली एम्स में उनका इलाज चल रहा था, कहीं ना कहीं ये ग्वालियर चंबल अंचल के लिए बड़ी जो दुखद समय घड़ी है वो जरूर कही जा सकती है। देखिए अगर सिंधिया परिवार की अगर बात करें तो सिंधिया परिवार का जिस प्रकार से ग्वालियर चंबल अंचल में कहीं ना कहीं अच्छा खासा प्रभाव है और उस प्रभाव के चलते भी लोग उन्हें राजमाता की पदवी दिया करते थे। देखिए जिस प्रकार से यह क्षति हुई है कहीं ना कहीं काफी दुखद जरूर है और पूरा प्रदेश ही नहीं देश के तमाम बड़े दिग्गज नेता, चाहे वो बीजेपी के हो चाहे कांग्रेस के हो, वो अपने श्रद्धा सुमन जो कहीं ना कहीं वो है वो अर्पित कर रहे हैं। अगर बात भोपाल मध्य प्रदेश की जाए तो डॉक्टर मोहन यादव प्रदेश के मुख्यमंत्री हो, प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा, पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ, पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह, शिवराज सिंह चौहान, ऐसे कई तमाम बड़े नाम हैं जिन्होंने अपने श्रद्धा को अर्पित किए हैं। और देखिए आज दिल्ली में जिस प्रकार उनको वहां पर शव को लाया गया, शव को लाने के बाद कल ग्वालियर लाया जाएगा जहां पार्थिव शरीर का अंतिम संस्कार किया जाएगा। लेकिन इस वक्त हमारे साथ अजय सिंह यादव है जो बीजेपी के प्रवक्ता भी है, उनसे भी चर्चा करेंगे। सर, कहीं ना कहीं बड़ी दुखद घटना जो है आज वो है। देखिए राजमाता सिंधिया जी का जाना न केवल उनके परिवार के लिए, मध्य प्रदेश के लिए, भारतीय जनता पार्टी परिवार के लिए और विशेष करके ग्वालियर अंचल के निवासियों के लिए एक ऐसी अपूर्णीय क्षति है जिसकी कभी पूर्ति नहीं हो सकती। इस परिवार के साथ पूरे प्रदेश का एक स्नेह का संबंध रहा है, भारतीय जनता पार्टी की स्थापना में सिंधिया परिवार का योगदान है, राजमाता ने जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी को सींचा तो ये हमारे लिए परिवार की क्षति है। पूरा मध्य प्रदेश, भारतीय जनता पार्टी परिवार और प्रदेश की जनता सभी उनके दुख के क्षणों में उनके साथ हैं और सभी उनको विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। सर, आप कांग्रेस में भी रहे हैं, जब आप कांग्रेस में थे, जब सिंधिया जी कांग्रेस में थे, तब आप लोगों का जब वहां पर जाना होता था तो क्या स्नेह मिलता था माता जी से? देखिए स्वर्गीय कैलाशवासी महाराज माधवराव सिंधिया जी के जमाने से राजमाता जी का स्नेह भी मिलता था कार्यकर्ताओं को, और हमेशा कार्यकर्ताओं को जब भी किसी भी सहयोग की आवश्यकता पड़ी उनके द्वारा व्यक्तिगत सहयोग दिया जाता था। यहां तक कि महाराज ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को भी राजनीति के रास्ते में लाने वाली राजमाता ही थी, उन्हीं ने उनको रास्ता दिखाया और महाराज सिंधिया जी के जाने के बाद राजमाता ने ही सिंधिया जी को जनसेवा के रास्ते में स्थापित किया। इसलिए राजमाता का योगदान अपूर्णीय है और उन्होंने जो योगदान दिया है उसको प्रदेश कभी भूल नहीं सकता है।
देखिए प्रदेश भूलेगा नहीं याद माता जो माधवी राजे सिंधिया उनके योगदान को। देखिए अजय सिंह यादव बता रहे थे कि कैसे आखिर वो एक कार्यकर्ता को सहयोग करते थे और कैसे उनको आगे बढ़ाने की कोशिश होती थी, चाहे वो ज्योतिराज सिंधिया की बात हो, ज्योतिराज सिंधिया तक को आगे बढ़ाने में कहीं ना कहीं बड़ा श्रेय जो है वो माधवी राजे सिंधिया का रहा है। जी जी बने रहेगा हमारे साथ। एक बार फिर से रुख दिल्ली का करते हैं। स्पर्श हमारे साथ सुबह से बने हुए हैं। स्पर्श कौन कौन अभी तक मिलने पहुंचा पार्थिव शरीर के दर्शन करने, कौन कौन से दिग्गज पहुंच चुके हैं, क्या कुछ आप देख पा रहे हैं? देखिए इस वक्त हम ज्योतिरादित्य सिंधिया के आवास के अंदर मौजूद हैं और पार्थिव शरीर जो है इस वक्त आवास के अंदर मौजूद है। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जो है यहां पर पहुंचे हुए हैं। तस्वीरें हम पीछे दिखा देते हैं और यहां से जो है लेफ्ट अगर हम बात करेंगे तो सीधे तौर पर जो पार्थिव शरीर है वो जो है देखने को वहां पर मिलता हुआ जो है नजर आ रहा है। और सुबह जिस तरीके से 9:30 बजे के आसपास की बात करते हैं तो जो डेथ है वो जो है माधवी जो है सिंधिया की देखने को मिलती हुई जो है नजर आई थी और उसके बाद से लगातार जो सिलसिला है परिवार का यहाँ पर आने का देखने को जो है मिलता हुआ नजर आ रहा था। उनकी जो बहन है वो यहाँ पर पहुंचती हुई जो है नजर आई थी और ऑफिशियल टाइमिंग की हम बात करते हैं श्रद्धांजलि देने के लिए तो 3 बजे से 7 बजे के बीच का जो समय है ऑफिशियल जो है रखा गया है श्रद्धांजलि देने के लिए। और उसके बाद जो ऑफिशियल जानकारी आई है जो शरीर है जो पार्थिव शरीर है उसको जो है ग्वालियर लेकर जो है जाया जाएगा। तो ऐसे में लगभग 3 बजे के आसपास से जो लगातार जो नेताओं का सिलसिला है वो यहां पर देखने को मिलता हुआ नजर आएगा। लेकिन फिलहाल इस वक्त मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम जो है शिवराज सिंह चौहान वो जो है चूंकि दिल्ली में मौजूद थे वो इस वक्त जो है ज्योतिरादित्य सिंधिया के आवास पर जो है पहुंचे हुए हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया से उनकी मुलाकात हुई है, सांत्वना कहीं ना कहीं जो है ज्योतिरादित्य सिंधिया को उन्होंने दी है और श्रद्धांजलि जो है वो ज्योतिरादित्य सिंधिया की माता जी को अर्पित करने के लिए जो है इस वक्त शिवराज सिंह जो है पहुंचे हुए नजर आ रहे हैं। लगातार दिग्गजों का दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया स्पर्श प्रदीप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातें ताजा करने के लिए। आपको बता दें कि राजमाता सिंधिया का निधन हो गया है। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी पार्थिव शरीर के दर्शन करने पहुंचे हैं और आपको बता दें चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस हो, सभी के दिग्गज नेता कहीं ना कहीं राजमाता से एक विशेष लगाव रखते थे। चूंकि माधवराव सिंधिया कांग्रेस से जुड़े हुए नेता रहे हैं, राजनेता रहे हैं, तो कांग्रेस के दिग्गज नेता भी सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह हो, कमलनाथ हो, सभी ने संवेदनाएं ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ भी व्यक्त की।